नमस्कार, उत्तराखंड की आवाज़ न्यूज़ चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आ रहे बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली खबर मिले सबसे पहले आपको। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 24 महिला जिप्सी चालकों की प्रशिक्षण के लिए आज देहरादून के लिए हुई रवानगी। कॉर्बेट प्रशासन ने सभी को किया 21 दिन की ट्रेनिंग के लिए रवाना। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि 21 दिन बाद दूसरे चरण में 25 महिलाओं को पुनः भेजा जाएगा प्रशिक्षण के लिए। बता दें कि महिला जिप्सी चालकों के लिए 50 महिला जिप्सी चालकों का हुआ है चयन। अब जल्द ही ये महिलाएं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जिप्सी चालक के रूप में पर्यटकों को भ्रमण कराते हुए दिखाई देंगी। मेरा नाम सपना बुडला कोटी है, मैं गैबो की रहने वाली हूँ। आज हम लोग रामनगर से देहरादून कॉर्बेट टाइगर नेशनल रिजर्व महिला जिप्सी चालक प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है इस बात को जान के कि आज सरकार ने हमें और कॉर्बेट नेशनल ये रिज़र्व टाइगर के जो भी डायरेक्टर हैं, इन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम जाके प्रशिक्षण करें। थैंक यू कहना चाहूँगी सरकार को भी और कॉर्बेट के डायरेक्टर को भी। और जैसा कि कहा जाता है कि महिलाएं सिर्फ और सिर्फ किचन तक रहती हैं, गोबर निकालती हैं, गाय बच्चियाँ देखेंगी, घास काटेंगी, ये सब ही चलता है। लेकिन आज महिलाएं ये दिखाएंगी कि नहीं जी, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम पायलट भी बन सकते हैं, हम अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं, हम प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं और हम जिप्सी भी चलाएंगे। तो ये बहुत देखने लायक रहेगा कि कैसे महिला जिप्सी चालक यहाँ पर आएंगी और बहुत अच्छे से हम लोग कोशिश करेंगे कि हम बहुत अच्छे से यहाँ गाड़ियाँ चलाएँ। मेरा नाम कंचन रावत है। हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, हम 21 दिन के प्रशिक्षण के लिए देहरादून जा रहे हैं। आई थिंक सब कुछ होपफुली अच्छा होगा, बट जो भी प्रशिक्षण वगैरह हमें देंगे वो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग, हम बहुत अच्छे से उसको इंजॉय करके सब लोग करेंगे साथ में। तुलसी जोशी, हम देहरादून जा रहे हैं। पहली बार महिलाओं को जो है सरकार ने जो है प्रोत्साहन दिया है महिला जिप्सी गाइड उसके ड्राइवर के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग ये चाहें कि अच्छी तरह वहाँ से जो है ड्राइविंग सीख के आएँ और कॉर्बेट के अंदर जो है गेस्टों को अच्छी तरह घुमाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन के लिए 50 महिला ड्राइवरों का पंजीकरण किया जाना है, जिनमें उनके द्वारा जिप्सी या अन्य वाहन जो भी अनुमन्य होंगे वो चलाए जाने हैं। इस कड़ी में 50 महिलाओं का जो है सिलेक्शन कर लिया गया है और इसमें प्रथम फेज में आज लगभग 25 महिलाएं जो हैं देहरादून में ड्राइविंग के प्रशिक्षण के लिए 3 सप्ताह के लिए यहाँ से रामनगर से रवाना हो रही हैं।